मोदी सरकार मुर्दाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, खेती विरोधी काले कानून वापस जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, काले कानून रद्द करो। केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के खिलाफ जिथे देश भर अंदर वख-वख वर्गों च इन्हां कानूनों खिलाफ रो भगता जा रहा है, उसे सिलसिले तहत देश भर के विद्यार्थी भी इस अंदोलन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। पिछले दिन 15 जनवरी तो शहीद भगत सिंह की स्मारक हुसैनी वाला तो वख-वख राज्यों तो आल इंडिया पद्धर के एक आर्गनाइजेशन विद्यार्थी संस्था वालों जो एक मोटरसाइकिल रैली तहत सिंघू बार्डर ते पुजन दा फैसला किया गया है। उन्हां दा ए जथा अज बुढ़लाडा विखे रात रुकिया अते इत्थों हुण अगले पड़ा लई सुनाम लई रवाना हो रहा है। इस आर्गनाइजेशन दे जनरल सकत्तर आल इंडिया साढ़े नाल ने, उन्हां नाल गलबात करदे आं कि किस तरह दा इहनां दा रूट प्लान सी ते अगों किथे जाण दा प्रोग्राम है। हां सर, मैं सौरभ घोष ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की जनरल सेक्रेटरी हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि पूरे देश भर में काले कृषि कानून और बिजली बिल 2020 के खिलाफ हमारे देश के वीर किसान दिल्ली बॉर्डर पे डटे हुए हैं। गोदी मीडिया और हुकूमत की तरफ से एक दिखाने की कोशिश चल रहे हैं कि ये आंदोलन खास करके धनी किसानों का है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये आंदोलन जो चल रहा है, ये आंदोलन पूरे देश भर के मेहनत कश इंसान इनके साथ खड़े है, इस आंदोलन के साथ है। हमारे संगठन AIDSO ये मैसेज लेके जाना चाहते हैं पूरे देश भर में कि ये आंदोलन पूरे देश की मेहनत कश इंसानों के हित में है, कॉरपोरेट के खिलाफ है, जनविरोधी जो कानून हुकूमत ने लाया है इसके खिलाफ है। हमारी ये बाइक रैली हुसैनी वाला के स्मारक स्थल से शुरू हुई है। हम लोग पूरे पंजाब के प्रधान जो शहर है वो शहर से हरियाणा होके सिंघू बॉर्डर से हम लोग टीकरी बॉर्डर तक चलेंगे और टीकरी बॉर्डर में ये रैली खत्म करेंगे। सो ए सन ऑल इंडिया स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दे जनरल सकत्तर जो कह रहे सी कि सरकार जो कह रही है कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन है, किसानों का नहीं सगों मजदूरों का, विद्यार्थियों का, दुकानदारों का, हर वर्ग का आंदोलन है। मेरा नाम श्रेया है, मैं AIDSO के दिल्ली स्टेट सेक्रेटरी हूँ और हम लोग यहाँ पर अलग अलग राज्यों से छात्र इकट्ठा हुए हैं। 15 तारीख को हुसैनी वाला में जो शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का स्मारक स्थल है वहाँ से हमारी बाइक रैली निकली है। लगभग 22 राज्यों से रिप्रेजेंटेटिव इस बाइक रैली में है और किसान आंदोलन के समर्थन में हुसैनी वाला से सिंघू बॉर्डर और दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर ये रैली जा रही है। और किसान आंदोलन का मतलब ये केवल किसान आंदोलन नहीं है, ये केवल किसानों का आंदोलन नहीं है। हम लोग छात्र हैं और किसान हमारे गार्जियंस हैं और अगर किसान इस देश का अन्नदाता अगर भूखा मरेगा तो इस पूरे देश का काम कैसे चलेगा, ये सभी को आज सोचने की जरूरत है। और हम सभी किसानों के मजदूरों के घर से आए हुए बच्चे हैं, इसीलिए आज छात्रों का नौजवानों का ये फर्ज है कि ये केवल किसान का आंदोलन नहीं है, ये पूरे जनता का आंदोलन है। इसलिए इस पूरे जनता के आंदोलन में सभी को समर्थन देने की जरूरत है, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने की जरूरत है और हम इस आंदोलन में तब तक खड़े रहेंगे किसानों के साथ जब तक ये तीन कृषि कानून, बिजली बिल और काले कानून वापस नहीं हो जाते हैं। तब तक इस आंदोलन के साथ हम लोग कंधे के साथ कंधा मिलाकर हम लोग खड़े रहेंगे, इस आंदोलन में लड़ते रहेंगे। उसी बोल दो सब की नाम है जी। मेरा नाम रिंकी बंसरियार है और मैं झारखंड से आई हूँ। हमारे AIDSO के द्वारा जो बाइक रैली की जा रही है, 15 तारीख को हमने हुसैनी वाला से स्टार्ट किया था और हम लोग जो कड़ाके की ठंड में बैठे हुए हैं सिंघू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, जो हमारे किसान, जो हमारे गार्जियन से बैठे हुए हैं, उनके समर्थन में, इस आंदोलन के समर्थन में हम सभी छात्र युवा आए हुए हैं और जितने भी देश भर के छात्र युवा नौजवान हैं सभी से हमारा आह्वान है, अपील है कि इस आंदोलन को तेज करने के लिए वे सभी भी इस आंदोलन में आए और ये जब तक काले कानून रद्द नहीं होते इस आंदोलन में हम लोग डटे रहेंगे और ये आंदोलन को हम लोग जीत हासिल करके रहेंगे। मेरा नाम मुदित भटनागर है, मैं मध्य प्रदेश से आया हूँ और छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO का ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट हूँ।
अभी एक जत्था छात्रों का करीब 150 से 200 छात्र हुसैनी वाला जो शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की समाधि स्थल है वहाँ से मिट्टी लेकर चला है 15 तारीख को और ये अलग अलग जगह होते हुए 19 तारीख को सिंगू और टिकरी बॉर्डर जाएगा। मकसद यही है कि ये जो काले कानून आए हैं और काला बिजली अधिनियम 2020 जो आ रहा है इसके विरोध में जो एक ऐतिहासिक आंदोलन चल रहा है, तो हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि देश के छात्र किसानों के साथ हैं और वो उनके साथ मिलकर लड़ने के लिए पूरी जी जान से तैयार हैं। यही हमारे जत्थे का मकसद है। देश दुनिया दी ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तो डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल तुहाडी अपनी आवाज़ पंजाब दी आवाज़ अजीत।